चिराग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? या हाजीपुर से लड़ू, ये अंतिम फैसला मेरी पार्टी का संसदीय बोर्ड ही करेगा, संसदीय बोर्ड ही ये तय करेगा। पर अगर आपके प्रश्न में हाजीपुर भी छुपा हुआ है तो उसका मैं जवाब मैं दे दूं कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी का ही उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा, वो चिराग पासवान हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर से हम ही लोग चुनाव लड़ेंगे। माताजी भी हो सकते हैं? हाँ, हम हो, हमारी माँ हो, पार्टी का कोई और कार्यकर्ता हो, कोई और नेता हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है इंडी सीट बंटवारे को लेकर क्या कैसे होगा इन लोगों का सीट बंटवारा, बताइए ना। कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर ये लोग एक दूसरे के आमने सामने, ममता बनर्जी जी इनको दो से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब में हम लोग सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में या तो कांग्रेस को बहुत ही बड़ा दिल दिखाना होगा, जो इतिहास में हुआ नहीं, इसके पूर्व में भी 2014 में भी इसी तरीके से तमाम घटक दलों ने एक साथ आने का प्रयास किया, 19 में भी प्रयास किया, दो दो बार हम लोग देख चुके हैं कि चुनाव समीप आते आते तक तमाम घटक दल अपनी अपनी राह पकड़ने लगते हैं। हमारे बिहार में ही देख लीजिए भाई, सूत्रों के हवाले से ज़रूर आ रहा है कि सीटों के बंटवारे काफ़ी हद तक तय हो गया है, पर हकीकत है कि दो सीटों की घोषणा जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही कर दी। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ से उनके प्रत्याशी मुंगेर वगैरह से सबको पता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में जब महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हों, ऐसे में ये तमाम घटक दल गठबंधन के हित में एक साथ आएंगे, ऐसा हुआ नहीं है और मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। जो गठबंधन अभी तक अपना एक नेता तक नहीं चुन पाया, एक संयोजक तक नहीं चुन पाया, और तो और निशान एक लोगों तक अभी तक नहीं चुन पाया, तो ऐसे में ये लोग चुनाव की रणनीति, आज की तारीख में जब इन लोगों को बैठकर चुनाव की रणनीतियां तैयार करनी चाहिए, तो ये लोग संयोजक की बात कर रहे हैं, ये लोग लोगों की बात कर रहे हैं। आज जब इन लोगों को बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो ये लोग बैठे एक दूसरे को कितनी सीटें दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी वो चर्चा में ये लोग लगे हुए। तो ऐसे में स्वार्थ के लिए बना हुआ ये गठबंधन है बहुत ज़्यादा समय तक साथ चल पाए ऐसा मुझे लगता नहीं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा लगातार सनातन पर हमला किया जा रहा है, राम रामायण अयोध्या इस सब के संबंध में टिप्पणी की जा रही है, यही सोच है इन लोग की। देश की एक बड़ी आबादी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, यही सोच इन घटक दलों के, जो इंडी अलायंस के जितने भी घटक दल हैं इनकी रही। साउथ के जब इनके घटक दल जब कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, तब ये लोग खामोश रहते हैं। जब यहीं के एक क्षेत्रीय दल जब रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, जब भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जब बार बार हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, तो तमाम घटक दल इस पे खामोशी से देखते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है, इनकी सोच ही यही है कि सनातन को किस तरीके से समाप्त किया जाए, और उसी सोच की वजह से बार बार इस तरीके के बयान आते हैं।